हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज मैं बनाने जा रही लौकी का पकौड़ा। इसके लिए मैंने लिया है 4 चम्मच बेसन। आप अपने अंदाज से बेसन ले सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने लिया है भुना हुआ जीरा। जीरा ज़रूरी है क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच रेड चिली, 1 चम्मच खड़ा जीरा, 1 चम्मच लिया है चावल का आटा। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा कलर मैंने इसमें ऑरेंज डाला है। आप जो चाहें आप डाल सकते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगता है। अब इसे मैं करती हूँ अच्छे से मिक्स। इसे पूरा अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि अगर ये मिक्स हो जाएगा तब इसका हम घोल बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट उतरेगा। इसका घोल बनाने के लिए मैंने लिया है वाटर। वाटर अपने अंदाज से धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे और मिलाते जाएंगे। एक बार में वाटर को ऐड नहीं करना है। अगर एक बार में ऐड कर देंगे तो हमारा डो अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। मैं इसमें देखिए थोड़े थोड़े पानी को ऐड कर रही और मिक्स कर रही। देखिए मेरा कितने अच्छे से डो बनके तैयार हो गया है। इसको इतना अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें छोटे छोटे बबल आना शुरू हो जाएंगे। आप इसको अच्छे से मिक्स करिए और इसको 1 घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम हो तो रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। अगर नहीं है टाइम तो कम से कम 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख दीजिए ताकि आपके पकौड़े अच्छे से बने और अच्छे से फूलेंगे भी। मैंने इसमें कोई भी सोडा यूज़ नहीं किया है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स करके ही बना रही। अगर आपको सोडा पसंद हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैंने लौकी को पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है और 2 कप पानी गुनगुना करके इसमें ऐड कर दिया है। गर्म पानी में इसको ऐड कर देने के बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। इसको गैस पे रख के हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो हमारा पकौड़ा अच्छे से नहीं बनेगा। इसलिए मैंने सिर्फ पानी को गर्म किया और नीचे हटाने के बाद से इसमें पूरे लौकी को ऐड कर दिया और 1 चम्मच नमक डाल के इसको कुछ देर के लिए मैं ढक के रख दे रही। कम से कम 2 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे। उसके बाद से इसको पानी से हम अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे। इसको दबाएंगे नहीं, किसी छन्नी या चम्मच के सहारे निकाल लेंगे। चलिए अब मैं इसे फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने लिया है 200 ml ऑयल रिफाइन। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप अपने पसंद के हिसाब से। ऑयल को हम गरम करेंगे हाई फ्लेम पे क्योंकि हमारा पकौड़ा जाके नीचे चिपके नहीं। तेल को अच्छे से गरम करेंगे। जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे पकौड़े। हम इसमें इतना ही ऐड करेंगे जो एक दूसरे में ये चिपके नहीं। 5 से 6 पीस ही काफ़ी है क्योंकि हमारी लौकी की जो स्लाइस कटी थी वो बड़े पीस में थी, छोटे पीस में नहीं थी। अगर छोटी है तो आप 6-7 डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बड़े बड़े पीस में कट किया है इसलिए मैंने 5-6 ही डाला है। और इसको हम हाई फ्लेम पे डार्क ब्राउन करेंगे। देखिए मेरा पकौड़ा कितने अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे निकालती हूँ, निकाल के दिखाती हूँ आपको कि ये कैसा ब्राउन हो रहा है। इसी तरह हम बारी बारी से अपने अंदाज से इसमें ऐड करते जाएंगे और फ्राई करके निकालते जाएंगे। ध्यान ये रहे कि ज़्यादा एक साथ ऐड ना हो, नहीं तो ये टूटने लगेगा और एक दूसरे में चिपक जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि ये जाके चिपके नहीं, क्योंकि ये थोड़ा वज़न होता है तो जिसकी वजह से ये जाके ऑयल में चिपकने लगता है। देखिए मेरे सारे पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं। लग रहे हैं ना यम्मी, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। मैंने इसको हाथ से दबा के दिखाया है। आज की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर पुश करिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।